गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल विथिका ब्लॉग्स में। तो आज अभी सुबह का टाइम है और हम गए थे मॉर्निंग वॉक करने। तो बहुत ही, और ये जो पार्क हम जाते हैं यहाँ पे बहुत ही खाली खाली सा रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता यहाँ पे। तो हम लोग सुबह सुबह गए थे, देखिए तो आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। और ये देखिए पूरा पार्क खाली है और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और सुबह 8 बजे का टाइम था। जो लोग सुबह आते हैं वो लोग बहुत सुबह सुबह आके चले जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट नाइट हमारा हो रहा है तो इसलिए बहुत जल्दी सुबह में हम उठ नहीं पाते हैं। तो अभी 8 बजे का टाइम, अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही बाहर आए थे और एक दो लोग ही आपको मिलेगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा ग्रीनरी चारों ओर, वही आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरे घर से बिल्कुल पास वाले जो पार्क है वही है। और ऐसे सुबह सुबह ऐसे पार्क में जाके और इतने सारे फूल और बगीचे, इतने सारे चिड़िया के चहचहाट, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह। तो इसलिए हम लोग थोड़ा गए थे। रोज हम लोग नहीं जाते हैं, रोज जाना नहीं होता है अभी, लेकिन एक दिन गए थे तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कितने सारे यहाँ पे ना छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, ये देखिए, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके साथ मैंने ये शेयर किया। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों बहुत ग्रीन लवर है, तो इसलिए नेचर के साथ बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सब ग्रीन लवर होते हैं, नेचर किसको अच्छा नहीं लगता है बोलिए। और इतना खूबसूरत देन है हमें भगवान का, बहुत ही मेंटेन करके रखा है ये पार्क को। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी आपको कुछ वैसे नहीं दिखता है, बहुत ही साफ सुथरा। और फिर मैं अभी आ गई घर, आके नहा धो के अभी हमारा पूजा हो गया है। और थोड़ा सा मैंने आज सिंहासन को जो है फूल से सजाया है, ऑलमोस्ट रोज ही सजाती हूँ, लेकिन वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो अभी जल्दी जल्दी पूजा करके फिर अब मैं चली जाऊंगी अभी किचन में, किचन की ओर। ये पूजा रूम का टूर हो गया है, तो अभी जाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। तो देखिए आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, तो इसीलिए यहाँ पे बीन्स, कैप्सिकम, और ये टमाटर, हरी मिर्च, और पनीर, और ये गाजर, और यहाँ पे एक आलू। तो इसीलिए अभी फटाफट से बना लूँगी मिक्स वेजे। तो गैस में देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गया है। इसमें अभी जीरे के जीरा दे दूँगी, और ये देखे एक सिंपल सा जैसे सब्जी बनती है। हल्दी दे दिया मैंने, और सारा सब्जी एक साथ देके, तो चलिए आप भी देखते रहिए। Thank you.
और अभी यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल तो हो गया मेरा और अभी पराठा, और यहाँ पे चाय बैठा दिया है, चाय भी हो गई मेरी। तो चलिए अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे आके मिलते हैं। और देखिए एक साथ सारा काम हो रहा है ब्रेकफास्ट के बाद। यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया है और यहाँ पे फिर मैं आ गई लंच बनाने। तो अभी लंच में अभी मैं आज बनाऊँगी झींगा आलू पोस्तू। तो देखिए मैंने जीरा फोरन दे दिया है, और ये बहुत ही एक फेमस सब्ज़ी होती है बंगालियों का। ये झींगा को मैंने पहले काट लिया है, और उसके बाद आलू भी सब्जी को थोड़ा से काट लिया है, और इसको अच्छा से थोड़ा सा चला लेंगे। और ये है झींगा आलू पोस्तू, झींगे आलू पोस्तू बहुत ही अच्छा होता है पपी सीड के साथ, मतलब जो खसखस होते हैं उसको हम पोस्तो कहते हैं। और तो चलिए देखते रहिए, एक बंगाली सब्जी बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है ये। अच्छा से इसको फ्राई कर लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा ढक के इसको पका लेंगे। और इधर मैंने देखिए अभी चावल बिठा दिया है, एक साथ सारा काम चल रहा है, दाल हो रही है यहाँ पे मेरी, और यहाँ पे चावल बिठा दिया है, और ये सब्जी भी मैं बना ले रही हूँ। तो देखिए अभी मेरा यहाँ पे झींगा आलू पोस्तो जो है, मतलब जो झींगा आलू है वो देखिए हो गया है, पक चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे पोस्तो जो पीस के रखा है ये देखिए, इसको अभी इसके साथ अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि इसका जो कच्चापन होता है खसखस का वो चला जाए। 2 मिनट के लिए ढक के पका लूंगी, इसके बाद इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा दे दिया है और थोड़ी सी सूखी मिर्चा, और ये ड्राई चिली देके अभी इसमें जो है करेला फ्राई करूँगी मैं। और करेला को छोटे छोटे करके काट लिया है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है करेला फ्राई। और यहाँ मैं अलग गैस में एक कढ़ाई में देखिए फिश को फ्राई कर ले रही हूँ, ये देखिए। और करेला मेरा हो चुका है, इसको मैंने गैस अभी ऑफ कर दिया है। और फिश को पूरा मैंने फ्राई कर लिया है, अब देखिए आपको दिखाती हूँ सरसों फीस कैसे होता है, बंगाली सरसों फीस। तो सरसों को बहुत अच्छा से मैंने पीस लिया है, और इसके साथ ही मैंने 4 हरी मिर्च देके पीस लिया है इसको, और इसको अभी अच्छा से फ्राई कर लेंगे देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी एक फीस करी होता है, सरसों फीस करी, सोरसे माछ, माने जो हमारे बंगाली में कहते हैं सोरसे माछ। तो देखिए ये पहले सरसों को पीस के और ऐसे ही अभी थोड़ा फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। और नमक दे दिया मैंने देखिए, अगर हो सके तो आप इसको ज़रूर एक बार घर में ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो अभी मेरा ये हो गया है, और देखिए अभी फ्राई हो चुका है बिल्कुल, इसको मीडियम आँच पे आस्ते आस्ते करके इसको पकाना है। और यहाँ पे देखिए 4 हरी मिर्च मैंने दे दिया है अंदर से चीरा लगा के, और अभी इसको पानी दे दे रही हूँ, और जब इसमें पूरा उबाल आ जाएगा तब जो फीस है इसमें दे देंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने फीस पहले से ही फ्राई करके रख लिया है, और अब उबाल आने तक इसको पका लेंगे। और
और अभी इसमें उबाल आ गई है, एक एक करके जितने भी पीस है इसको दे देंगे। तो जितने भी पीस है इसको मैंने दे दिया है, और अभी फिर इसमें जो है इसको भी ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए अभी ढक दिया है, और चलिए अभी देख लेते हैं 5 मिनट बाद। देखिए ये जो पानी है थोड़ा सा ये जो सेमी ग्रेवी बन गया है, और ये राइस के साथ, गरम गरम राइस के साथ आप इसको खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ना ज़्यादा पानी रहता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है, सेमी ग्रेवी टाइप का ये बनता है। तो ये बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल ये बन चुका है अभी। और अब देखिए इसको बंद कर दिया है गैस को, और ये ऊपर से मैं सरसों का तेल जो है थोड़ा सा ऐसे, देखिए कच्चा सरसों का तेल इसमें थोड़ा सा ऐसे करके पूरे में दे दूंगी। और ये सरसों का तेल जब देते हैं ना, जो सरसों पीस होता है इसमें जो टेस्ट होता है वो 2 गुना हो जाता है। आप ऐसे करके एक बार करके देखिएगा, ये एकदम टिपिकल बंगाली सुरसे माछ होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और थोड़ा सा इसको अभी मिक्स कर लेंगे, ये गर्म है ताकि एकदम जो रॉ सरसों तेल का जो फ्लेवर आए वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये देखिए, और इसको अभी ढक देंगे। तो ये बन के तैयार हो गया है मेरा। और इधर दाल भी मेरा जो है सांभर लगा लिया मैंने, छौंक लिया दाल को। तो चलिए यही मेरा लंच का रूटीन है आज, ये राइस और ये है जो खोसा बटा था लौकी का, ये और सरसों पीस, झींगे आलू पोस्तो और करेला फ्राई, साथ में दाल ये तो रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय।